Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Rockistani Reactions. In today's video, I'll react to Tablighi Jamaat Part 4 by Our Vines. अगर आप मैंने पहले पार्ट वन पे रिएक्शन की थी तबलीगी जमात पार्ट वन, अगर आप पार्ट टू और पार्ट थ्री भी देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें। अभी फ़िलहाल जो लेटेस्ट पार्ट फोर उन्होंने रिलीज़ किया है उसके ऊपर रिएक्शन होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1, 2, 3। वैसे अमीर साहब, अख्तर साहब को आपने कहाँ से कबूल किया था? अख्तर साहब को कैफियत उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। कबड्डी 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 यार नासिर साहब देखे नौजवान कबड्डी खेल रहे हैं, ये नौजवान कहाँ पे अपना जोर लगा रहे हैं? अगर यही जोर और जज्बा दीन में लगा है तो क्या ही बात हो। बिल्कुल अमीर साहब, जिक्र अस्कार के साथ मुस्कुराहट, सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों, आपके करीबी मस्जिद में जमात आई है, दीन और यकीन की बात हो रही है, आप अगर हमारे साथ चलो तो आप लोगों का वक्त कीमती हो जाए। हाँ हाँ, पता है अमीर साहब, लेकिन हमारा कबड्डी का टूर्नामेंट आ रहा है तो उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जैसे ही यहाँ से फ्री होंगे आपके पास मस्जिद में आ जाएंगे। प्रैक्टिस के बाद आप लोग मस्जिद आओगे? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो फिर हम इंतजार कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करो, आइए हजरात। अमीर साहब, इंतजार ही करना है तो बेहतर ये नहीं कि कबड्डी का एक मैच हो जाए? कबड्डी आप लोगों के साथ? अमीर साहब गुजारा करेंगे, हड्डियों की मालिश हो जाएगी। डरा दिया ना। चलो खेलते हैं। डरे नहीं है, मशवरा कर रहे थे। तो हमारा एक चैलेंज है आप लोगों के साथ। कैसा चैलेंज? अगर हमने आपको हरा दिया तो आप सबको हमारे साथ मस्जिद जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने हमें हरा दिया तो जैसा आप कहोगे हमें मंजूर होगा। जी बिल्कुल मंजूर है, अगर आपने हमें हरा दिया तो हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आपको हमारे साथ टूर्नामेंट में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्राउड की सख्त ज़रूरत है। मंजूर है। वैसे अमीर साहब, गेम के रूल्स आते हैं या मैं बता दूं? गेम के रूल्स मैं आपको बताता हूँ। हर टीम से 7 साथी होंगे और हर एक साथी एक ही बार मैदान में आएगा, और जो टीम 4 पॉइंट्स पहले ले लेगी फतह उसी टीम की होगी। चलो सही है अमीर साहब, वैसे फिर भी एक बार मशवरा दूंगा, क्यों अपनी हड्डियां तोड़वा रहे हो? मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह। मशवरे के लिए आओ। सुभान अल्लाह। तो भाइयों, अभी हमारा मुकाबला होने जा रहा है, अपने ऊपर सब सबको भरोसा है ना, अपने ऊपर अल्लाह पे भी भरोसा है। बिल्कुल अमीर साहब। तो मेरा ये मशवरा है, मुस्कुराहट, मेरा ये मशवरा है कि पहले नासिर भाई मैदान में उतरे, क्योंकि उनकी बॉडी भी अच्छी है, अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। दूसरा इंशाल्लाह यासिर भाई आप मैदान में उतरे। तीसरा फैज़ान भाई आप मैदान में उतरे। चौथा अब्दुल हादी आप मैदान में उतरे। पांचवा नियमतुल्ला आप उतरे, और छठा काशिफ भाई आप उतरे, और आखिर में मैं खुद ही बरकत डाल दूंगा। सब इस मशवरे पे मुतफिक हो? बिल्कुल। हादी आप जाओ, साथियों के लिए गर्म दूध, शहद और खजूर ले आओ। बिल्कुल अमीर साहब, ला दो। नासिर भाई आप मैदान में उतरे, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी चुफ करें, अल्लाह का नाम लो और मैदान में उतर। हार गया लगता है अमीर साहब, हड्डी टूट गई, लेकिन खैर अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। वो खिदमत वाले भाई को बोलो कि गर्म दूध में शहद मिला के नासिर भाई को पिलाए। नासिर भाई आप आराम। सुभान अल्लाह अमीर साहब, खजूर दूध और शहद ले आया हूँ।
नहीं, बस खजूर दे दूं। हमारे एक भाई को लगी है, उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह उसको जल्द सेहत याब करे। अमीर साहब, नासिर साहब को गरम दूध और शहद पिला दिया है और ये बाकी बच गए ये ले आया हूं। ठीक है नासिर साहब, आप यहीं पे आराम फरमाएं, आप जाओ ये साइड पे रख लो, अगर दूसरा साथी हमारा जख्मी हो जाए या चोट लग जाए तो उसको गरम दूध और शहद पिला दे। ठीक है अमीर साहब। एक दो खजूर दो। सुभान अल्लाह, ये ले सुभान अल्लाह। कबड़ी 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 कबड़ी। कोई मसले की बात नहीं हादी भाई, आप साथियों की खिदमत कर लेना। ठीक है अमीर साहब। फैजान भाई, आपका मैदान में उतरने का वक्त आ गया है, अल्लाह का नाम लेना और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से पॉइंट लेके आना। अमीर साहब, सिर्फ टच करके भाग जाना है? जी फैजान भाई, टच करके हमारी तरफ भागना है, मैदान से नहीं भागना। बेफिक्र है, मैं भागने में माहिर हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारी मदद फरमाए। भाई के लिए दुआ करें। कबड्डी 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 कबड्डी। अमीर साहब, मुस्कुराहट मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजान भाई, अल्लाह आपको जजाए खैर दे। इसकी टोपी और रुमाल इसको दे दो। नासिर भाई, अगर आपके सेहत को आराम मिला हो तो आप भी मैदान में आ जाए। जी अमीर साहब। कहाँ जा रहे हो? हमारे घर आयो तो हमें खिदमत का मौका दे। अमीर साहब, क्या कहे इन्हें दूध पिला दे? अब अगर आ गया है तो अच्छे से नुसरत कर लो। खिदमत वाले, एक गिलास दूध ले आओ। अमीर साहब, दूध ले आया हूँ। पिला दो। बहुत शुक्रिया हमें खिदमत का मौका देने के लिए। मुस्कुराहट। जज़ाकअल्लाह नासिर भाई, आपने एक पॉइंट ले लिया है, बहुत मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो पॉइंट हमारे भी हो गए, हिसाब बराबर। तो यासिर भाई का मैदान उतरने का वक्त आ गया। यासिर भाई, अपने ऊपर आयतुल कुर्सी चुप करो, और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए एक पॉइंट लेके आओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी दो पॉइंट हो गए इनके। कबड्डी 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 कबड्डी। ये क्या है? अमीर साहब। सुभान अल्लाह यासिर भाई, मुझे आप पे पूरा भरोसा था। रहमान मुबारक भाईजान, आप खजूर ले लो, अपने साथियों को भी खिलाओ। सुभान अल्लाह। तीन पॉइंट्स हो गए, एक और पॉइंट। आखिरी दो पॉइंट्स हैं, उनकी तीन हो गए, हमारे दो। अगर ये हम हार गए तो समझो मैच हार गए। मुझे जाना चाहिए। अब क्या करेंगे अख्तर साहब? कबड्डी कबड्डी कबड्डी। नेमतुल्लाह, आप ठीक हो? उठ जाओ। मुस्कुराहट नेमतुल्लाह, अल्लाह की आजमाइश है, सेहत को आराम दो। आओ इसको हल्दी वाला दूध पिलाओ। अब मेरा मैदान में उतरने का वक्त आ गया है, अगर ये एक पॉइंट हमने ले लिया तो पूरी जमात तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बचपन से कबड्डी खेलते खेलते एक बात मैंने सीख ली थी कि कबड्डी सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि अकल का खेल भी है। अगली टीम का खिलाड़ी आपसे ताकत में ज्यादा क्यों ना हो, अगर आप उसे अकल लगाकर जीत गए तो समझो आप खेल जीत गए। बाज़ औक़ात आपका एक मूव पूरा गेम बदल सकता है और उसी मूव का इंतजार आपने करना है। अच्छा मौका देखते ही आपने उस मूव को इस्तेमाल करना है और फिर जीत। यही मिसाल जिंदगी की है। जिंदगी में एक अच्छा मूव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अल्लाह से दुआ करें कि ये मूव हमें जल्दी मिल जाए और यही मूव दीन के रास्ते में चलने का है। दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। घर घर पे नबी लेके गए नूर हिदायत, तायफ में गए लेके अपने दीन की दावत, उम्मत का दर्द दर्द में वो दिल। अच्छा अभी लास्ट पार्ट भी आने वाला है जो कि पार्ट 5 और लास्ट होने वाला है। ये पार्ट भी बहुत अच्छा था, उसमें दिखाया फ्लैशबैक के अख्तर साहब जो है कैसे तबलीगी जमात में शामिल हो गए, कबड्डी के मैच खेल के जब हार गए तो इस तरह से उन्होंने उसको तबलीगी जमात में शामिल कर दिया है। और एज़ यूजुअल बहुत अच्छी वीडियो थी आवर वाइंस की, और उसमें एंड में एक बहुत अच्छा मैसेज भी देते हैं कि पूरी ज़िंदगी में आपको एक मौका मिलता है जिसमें आप जिसको मूव कह रहे थे कि एक अच्छा मूव देने का मौका मिलता है तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, और वो मूव है दीन के रास्ते में चलना। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन के रास्ते में चलने की तौफीक अता फरमाए। एंड हैट्स ऑफ टू आवर वाइंस अगेन फॉर मेकिंग सच एन अमेजिंग वीडियो। मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो देखकर, एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी दिस वीडियो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।